पहले व्यक्तिगत परिचय, मेरा पूरा नाम रानू कपिल बंसल है, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरे पति एक मार्बल व्यवसायी है, दो बच्चे हैं, मैं एक गृहिणी भी हूँ, गृहिणी के साथ साथ मैं ये व्यवसाय भी कर रही हूँ। इस व्यवसाय को करते करते मुझे 6 साल हो गए हैं सर, और इसको मैं सीख भी रही हूँ बराबर। मेरा एक छोटा सा पिकअप सेंटर हुआ करता था जिसे मैं घर से ऑपरेट करती थी, अब वो घर उसको मैंने डेवलप करके मेरे पति के और परिवार के सहयोग से उसे एक वंडरवर्ल्ड पिक में बदल दिया है, जो आज चित्तौड़ में कार्यरत है। इसके अलावा मैं आज उन सभी महिलाओं से निवेदन कर रही हूँ कि वो भी घर में रहकर कुछ नया करें और कुछ करने की सोचे। उसके लिए एक बहुत अच्छी जगह है ये कि आज हम इस परिस्थिति में होकर घर में रहकर घर के कार्य करते हुए भी एक व्यवसाय को डेवलप कर सकते हैं। उसका एक नया तरीका ये है कि हम अपने रोजमर्रा की जीवन को तो चीजें इस्तेमाल करती हैं, उन्हीं चीजों को करते करते हम अपना व्यवसाय और आमदनी भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे प्रेरणा दी मेरे ग्रेट गुरु, जिनका मैं बहुत आदर से नाम लेती हूँ, श्रीमान सुरेंद्र जी जैन और श्री प्रकाश चंद्र जी शर्मा, जिनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस को सिखाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं आशा करती हूँ कि वो आगे भी मेरा इसी तरीके से साथ और सहयोग देंगे, और इस बात के लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी भी हूँ। अब मैं बात करती हूँ इस बिजनेस की। ये बिजनेस क्या है? ये एक बिजनेस है जो कि आप बिना पूंजी का है, आप उसमें आपने घरेलू सामान जो रोजमर्रा के जीवन की आवश्यकता है उनको खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं और पूरा करते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ भी वापस प्राप्त नहीं करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, आप इसमें आप जो सामान खरीदते हैं ना तो गारंटी होती है ना पक्का बिल मिलता है। बाजार से जो भी सामान मिल रहा है मिलावटी है, शुद्ध है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं तो आपको शुद्धता की पूरी गारंटी मिलती है, प्लस पक्का बिल मिलता है। इसके अलावा आपको ना तो कोई कहीं ठगने की व्यवस्था जो होता है कि आपको कोई ठग सकता है, मोल भाव की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे भारत में ये एक व्यवस्था है, और मैं क्यों पूरे मतलब इंडिया की एक वैसी व्यवस्था है कि जहां पर एक ही रेट में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही रेट में आपको सामान उपलब्ध होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये औरतों के लिए सबसे अच्छा काम है, क्यों? जो औरतें कुछ करना चाहती है घर में रहके, मैं आज उन्हीं माताओं बहनों से निवेदन करती हूँ कि जो घर में रहके कुछ करना चाहती है और अपने लिए अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती है, उनके साथ उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है इस परिस्थितियों में कि वो जो सामान तो ला रही है, सामान खा भी रहे हैं, सामान यूज भी कर रहे हैं, तो उनसे उनके घर में कोई इनकम नहीं हो रही है। अगर वो अपनी थोड़ी सी सोच और दिशा को बदल दे और ये सामान इस प्लेटफॉर्म से यानी कि आरसीएम के प्लेटफॉर्म से ले, तो उन्हें ये बाजार ये स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिलेंगे, प्लस पक्का बिल मिलेगा जो कि देश की आमदनी और राष्ट्र के लिए भी आय का एक साधन बनेगा, और प्लस इस पे जो रिटर्न आएगा वो उनकी खुद की बचत होगी जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगी, जो ना तो कंपनी उन्हें दे, ना तो कोई दुकानदार उन्हें देगा, ना कोई उनसे वापस ले सकता है, सीधा उनके अकाउंट में आता है। इसीलिए मेरी समस्त माताओं बहनों से आशा है कि वो अगर कुछ करना चाहती है तो इस पे थोड़ा सा जोड़ दे। और अब मैं बात करती हूँ कि इसमें इस व्यवसाय को करना कैसे है और क्या है ये व्यवसाय। ये व्यवसाय एक तरह का बिना पूंजी का व्यवसाय है। अब आपको सोचेंगे कि ये बिना पूंजी का व्यवसाय कैसे है, बिना पूंजी के कोई व्यवसाय आज संभव नहीं है। नहीं, ये बात गलत है, आज भी संभव है। ये एक बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, जिसका निर्माता व निर्देशक श्रीमान टीसीजी छाबरा है, जो भिलवाड़ा के रहने वाले हैं, और इन्होंने भिलवाड़ा में ही इसी का प्लांट डाल रखा है। ये एक संपूर्ण स्वदेशी प्रोडक्ट है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि लोकल अपनाओ और वोकल बनो। तो आज हम उसी पर इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लोकल अपनाएं और कैसे वोकल बने। सभी माताएं बहने घर में रहती है, घर के सामान यूज करती है, हम कम सामान यूज करते हैं, प्लस उसकी तारीफ करनी है, हमें तारीफ करके उनको आगे दो व्यक्तियों को बताना है कि आज हमने ये चीज यूज करी और इससे हमें ये फायदा हुआ और हमारे घर में ये बचत हुई। अगर वो बचत आप ही के काम आएगी, किसी और के काम तो आने वाली नहीं है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको समझे। इसको समझने का तरीका ये है कि आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी दुकानदार आपको पक्का बिल नहीं देता है। पक्का बिल नहीं देता इसका मतलब वो टैक्स की चोरी करता है। अब आप
इस प्लेटफॉर्म से यानी कि आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म से अगर अपनी कोई भी रोजमर्रा की आवश्यकताओं का सामान, और इसमें सामान क्या है, सबसे पहले आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं जो आपको उठते समय चाहिए और रात को सोने से पहले चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। प्लस इसके अलावा इसमें खाद्य सामग्री की सारी गुणवत्ताओं को जांच परख कर इस पर बेचा जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें कोई तरह की मिलावट और कालाबाजारी से दूर रखा जाता है। आज लॉकडाउन के समय हम देख रहे हैं कि मनचाहा भाव लोग बाग लगा रहे हैं, अपनी इच्छा से सामान मतलब बेच रहे हैं अपने मूल्य पे, कोई सरकार की पाबंदी वो लोग नहीं मान रहे। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा है जिसमें आरसीएम पीयूसी पर जाने पर या आरसीएम वंडरवर्ल्ड पे या वंडरवर्ल्ड में जाने पर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट पे सामान मिलेगा। वो ना तो आपसे चिटिंग करेगा, ना ज्यादा पैसा लेगा, प्लस ना आपको बिल देने से मना करेगा, चाहे आप कभी भी उससे बिल मांग सकते हैं, वो बिल देने के लिए तैयार रहता है। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है कि आप इसका पक्का बिल लेंगे और राष्ट्र की आय में भी योगदान करेंगे। तो मेरी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि वो थोड़ा सा इस व्यवसाय को समझे, इस व्यवसाय में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, उसकी पूरी एक ऐप है जिसका मतलब आप उस ऐप को देख कर और सीख सकते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, नहीं तो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट की जानकारी देती। अगर आप मुझे स्क्रीन पे देख सकते हैं तो मेरे पीछे जो आपको प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं वो सारे आरसीएम प्रोडक्ट हैं, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप दो तीन हजार का सामान जो आप घर में रूटीन का लाते हैं उसमें 1000 का सामान और लाके अपने घर में किसी भी कॉर्नर में या ताक पे रख सकते हैं और आप यूज करिए, उसको प्रमोट करें, और अगर कोई किसी को अच्छा लगता है तो आप उसको एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो इसमें यह होता है कि एमआरपी और डीपी के बीच का जो डिफरेंस कमीशन है वो डायरेक्ट आपको मिलता है। उसके बाद में जो बिजनेस वॉल्यूम का जो कमीशन है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। ये बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो आपका बचत है। आप ऐसे कभी भी बचत नहीं कर सकते कि मैंने आज अपने 1000 रुपए या 2000 रुपए अपने घर में बचाए, वो नहीं बचा सकते। लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आता है तो वो आपका खुद की बचत होती है, और ये मैं भी करती हूँ। दूसरा नहीं, मैं खुद अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने मेरे अकाउंट में जो मुझे आरसीएम से पैसा आता है मैं उसे कभी भी नहीं निकालती हूँ। मैंने मेरे बच्चों के नाम की उसमें आरडी करवा रखी है, हर महीने वो पैसा आता है और डायरेक्ट आरडी से मेरे बच्चों के अकाउंट में चला जाता है, तो उसको मैं एक तरह से अपनी डिपॉजिट समझती हूँ। और मैं यही माताओं बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो भी ये सब शुरू करें। अगर उनको इनसे पैसा मिलता है तो वो एक भविष्य की बचत है। आज बिजनेस किसी ने नहीं देखा किसका बिजनेस चलता है किसका नहीं चलता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आज 2 महीने से लॉकडाउन जब से चला है मेरे पति का बिजनेस बंद पड़ा है, लेकिन मेरा बिजनेस 2 महीने से बराबर चल रहा है। वो खुद इस चीज को मानते हैं कि हाँ कि तेरा बिजनेस बराबर चल रहा है, मेरा तो 2 महीने से बंद पड़ा है और आगे अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कब तक चलेगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जो FMC प्रोडक्ट का है, तो ये तो इंसान को डेली नीड है। आप डेली चाहे भले आपको कुछ मिल, आप कुछ करो ना करो, खाना सबसे पहले आपको आवश्यकता है। और इस बिजनेस में यही है कि आपकी डेली नीड्स सारी पूरी करता है। डेली नीड्स के अलावा आप कॉस्मेटिक पे भी जा सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, और गारमेंट्स वगैरह सारे इनर वेयर्स लेडीज के लिए। सबसे बड़ी बात, अब कई लेडीज की ये बात होती है कि मैं हमारे घर में सामान मेरी सास लाती है या मेरा पति लाता है या मेरी ससुर जी लाते हैं, तो मुझे इस चीज में मैं नहीं ला सकती, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे हैं कि इसमें लेडीज वियर्स, जो लेडीज इनर वियर है जो, तो लेडीज को ही लाने हैं, तो वो लेडीज खुद जाके परचेस कर सकती है और उस पर भी पैसा कमा सकती है। अगर उनको अच्छा लगता है वो चीज तो वो किसी और को बता के भी सेल कर सकती है। सेल करने का भी तरीका हम उनको डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको हम डायरेक्ट उसी टाइम सेल करने का तरीका भी समझा सकते हैं कि आप किस तरीके से सेल करें। इससे हमसे जो रेट मिलेगी और MRP और DP का, ये मैंने कितने जनों को बताया भी है और कई जने कर भी रहे हैं। और इसके आगे मैं महिलाओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो भी मुझे आज देख रहे हैं वो ये देखें कि आप भी अपने घर में ये प्रोडक्ट लाएं और एक रखें और लोगों को बताएं, और डेली कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं जो आप अड़ोस पड़ोस में शेयर भी करें कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। और वो आरसीएम प्रोडक्ट का ही होना चाहिए ताकि उन्हें उस प्रोडक्ट की विशेषता भी पता चले कि भाई ये चीज इस तरीके से और इसमें आती है।
मेरे मैं रियल की बात है कि मेरे पड़ोस में सब लोग नेगेटिव थे आरसीएम बिजनेस से, कि नाम सुनते ही चिढ़ते थे कि क्या है, बेवकूफ बनाते हैं, ये करते हैं। लेकिन नहीं, जैसे जैसे मैंने इसको किया, अब मुझे देख के उन लोगों को ये लगता है कि हाँ, इन्होंने किस तरीके से इसको किया है, और अब वो खुद भी मेरे साथ ज्वाइन है और खुद भी परचेस करते हैं और खुद भी यूज करते हैं। अब धीरे धीरे उन्हें ये प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप भी इस तरीके से कोशिश करेंगे तो आप लोग भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और आपके लिए अभी सुनहरा अवसर ये है कि ये सामान सभी को जरूरत है। आप बाजार से न ठगाएं, न मिलावटी सामान को लें, और ये इस प्लेटफॉर्म से आप शुद्ध प्रोडक्ट और अच्छा अपने मतलब परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और लोगों को करवा भी सकते हैं। इसके साथ और आगे मैं कहना चाहूंगी कि आप इसमें धीरे धीरे इस बिजनेस को नेटवर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कि नेटवर्क में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप उसको दो और औरतों के बीच में बैठ के बता भी सकते हैं। जैसे हम फालतू बैठ के बातें करते हैं लेडीज से, उस समय का सदुपयोग करते हुए हम उन प्रोडक्ट की तारीफ करें। आज एक इसका उदाहरण है, हम टीवी में जो भी एड देखते हैं उस चीज को डिमांड करते हैं कि हमें यह खरीदना है, तो वो टीवी वाला भले उस चीज को यूज करे नहीं करे, लेकिन हम उसको जरूर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम खुद सेल्फ टेस्ट करके उस चीज को डिमांड बना सकते हैं कि नहीं, मैंने ये चीज की है और इसमें ये गुणवत्ता है। इसीलिए मैं आपको सबको लेडीज को मेन लेडीज को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेली में कुछ बनाएं और कुछ उसके बारे में जाने और उसको बताएं लोगों को, तो ये बहुत अच्छा तरीका है बिजनेस को बिल्ड करने का। क्योंकि जनरली लेडीज ही सारा काम करती है घर का, जेंट्स तो खाना नहीं बनाएंगे, या जेंट्स सामान लाके दे सकते हैं लेकिन उसका उपयोग करना तो लेडीज के हाथ की बात होती है। इसीलिए सभी लेडीज से निवेदन है जो आज इस मीटिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो उनसे ये निवेदन है कि आप इस चीज को सीखें, सामान लाएं और अपने घर में रखें। ये नहीं है कि आप उनको एक साथ सब किचन में जमा दिया, आप ताक में जमाइए, आपके जब भी खत्म होता जाए आप उसको वहां से निकालिए। और उसके अलावा जो आपको लगता है कोई कि मांगता है कि भाई ये चीज अच्छी है आप दीजिए, तो उसको आप एमआरपी सेल भी करिए, तो इससे आपके घर में इनकम भी बढ़ेगी, प्लस आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और लोगों को उन प्रोडक्ट की नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, तो आप उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। इसके लिए पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में खुद को नॉलेज होना जरूरी है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं और आप उनको क्या क्या बता सकते हैं। तो ये सब आपको खुद को पहले यूज करने पे आएगा कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और कितना उसका एडवर्टाइज कर सकते हैं, कि आप कितना बता के किसको समझा सकते हैं। ये सब चीजें इसी पे डिपेंड करेगी। इसीलिए आज मेरी माताओं बहनों से सभी ने निवेदन है कि वो इस चीज को सीखे, समझे और आगे बढ़ाए। इसके लिए आज मुझे मेरे ग्रेट गुरु श्रीमान सुरेंद्र जी जैन ने ये मौका दिया है कि वो मैं पूरे सबको ये चीज बता सकूं। मेरा फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है कि मैंने ये प्रोडक्ट पहले सबसे पहले यूज किया, मुझे भी मेरे अपलाइन ने सबसे पहले प्रोडक्ट यूज कराया, और पहला प्रोडक्ट था जो मैंने इस आरसीएम बिजनेस का यूज किया वो था सोन पपड़ी। मैंने सोन पपड़ी यूज की थी और मुझे सोन पपड़ी से ही ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। मुझे हेल्थ गार्ड के बारे में पहले बहुत सारे लोगों ने बताया लेकिन मैंने उनका विश्वास नहीं किया। जब मुझे सोन पपड़ी पे सबसे पहला पैकेट मुझे सोन पपड़ी का मिला और इस सोन पपड़ी के पैकेट को टेस्ट करके मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। रियल मानिए, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मुझे इस बिजनेस की एक महीने तक कोई समझ नहीं थी कि ये बिजनेस होता क्या है। केवल ये समझती कि भाई प्रोडक्ट खाते हैं और पैसा आता है, कैसे आता है वो पता नहीं था, न मेरे अपलाइन ने मुझे ये बताया था कि कैसे पैसा आता है। ठीक है, प्रोडक्ट लाना शुरू किया, एक लाए, दो लाए, सब अच्छा लगने लगे और आज मेरे घर में 100% आरसीएम के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम किचन में जो आरसीएम का आता है वो सब आरसीएम का। और मेरे देखे देख मेरे पूरे परिवार ने इसको शुरू किया। पहले सबसे पहले परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे सहयोग मेरे हस्बैंड का है, जिन्होंने मुझे समझा और मेरी इस बिजनेस में सहायता करी। भले वो इस बिजनेस में कुछ नहीं करते हैं लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट जरूर करते हैं। जहाँ प्रोडक्ट लाना है उसको सेल करवाना है, अकेली मैं भी इतना बिजनेस नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने इस चीज में मेरा पूरा सहयोग दिया। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये कहावत उल्टी करके कहती हूँ कि एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। और इसके साथ मेरे पूरे परिवार का भी सहयोग है इसमें। मेरे माता सास ससुर परिवार के ननद भाई
जो कि पहले बिल्कुल नेगेटिव थे कि उन्हें ये लगता था ये क्या करती है भाभी पागल हो गई, या भाई कहता था बहन पागल हो गई कुछ नहीं समझती है पता नहीं क्या करती है। लेकिन जब उनको भी मैंने ये समझाया या सिखाया और प्रोडक्ट दिए, केवल उनको कुछ नहीं समझाया केवल प्रोडक्ट दिए कि आप अपना प्रोडक्ट यूज करो, और एक बार मैंने यहाँ से भेजे दूसरी बार उनसे कहा कि आप परचेस कर लो, अब उन्हें भी लगता है कि हाँ यार खाने से भी पैसा आता है तो क्यों नहीं खाया जाए, तो वो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसीलिए मेरा महिलाओं से विशेष निवेदन है कि वो जो प्रोडक्ट ला रही है बस केवल उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक दुकान बदलनी है आपको, जो दुकान आप सिटी में जाते हैं वही सिटी में आरसीएम पिकअप सेंटर से लानी है आपको, आपके पास जो भी नियरेस्ट आरसीएम पिकअप सेंटर है आप वहां से अपना डेली नीड्स का जो भी सामान है, बकायदा आपकी एक आईडी यूनिक आईडी बनती है उस आईडी से आप परचेस करिए, तो आपको कहीं पे भी आपके साथ धोखा नहीं होगा और आप अपना शुद्ध और पूरा स्वच्छ प्रोडक्ट लेकर अपने घर में उन प्रोडक्ट को यूज कर सकती है। प्लस कोई प्रोडक्ट ना पसंद आया या कोई प्रॉब्लम हो गई उसमें डिफेक्ट निकल गया तो वो रिटर्न भी रहता है इसका, एक महीने में रिटर्न भी कर सकते हैं। आज आप बाजार से कोई भी किराने के सामान से कुछ लाओ, अगर वो कीड़े निकल गए या खराब हो गई तो आप दुकान वाले को वापस दोगे तो वो नहीं लेगा, वो ये कहेगा मैंने तो ऐसा दिया ही नहीं था, आपने खराब करके आपके यहाँ खराब हो गया। लेकिन यहाँ पे एक महीने के अंदर आपका प्रोडक्ट खराब होता है तो हम आपको रिटर्न भी देते हैं, इसके बदले बिल रिटर्न भी होता है, पैसा भी वापस मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है कि आप अपने समय की और पैसे की दोनों की बचत कर सकते हैं, प्लस आप अपने घर में रहकर कुछ भी कर सकते हैं। घर में रहकर जो जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती है कि भाई हमने हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी सब पे होती है लेकिन किसी पे ज्यादा और किसी पे कम, अगर वो घर में रह के भी कुछ करना चाहती है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इसमें एक आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट यूज करने है, और जब भी आप किसी से मिले तो उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। आज औरतें क्या कुछ नहीं कर सकती है, देश की प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के पद तक औरतें हैं, अंतरिक्ष तक औरतें पहुंच चुकी है, तो ये नहीं है कि अपन घर में रहकर कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा काम है आरसीएम बिजनेस, जिसमें आपके साथ पूरा टीम काम करती है, आप अकेले काम नहीं करते हो। आज मैं काम कर रही हूँ तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम काम कर रही है, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो पिकअप सेंटर चलाना हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करना हो, उसके लिए मेरे अपलाइन, मेरी डाउनलाइन हमेशा मेरा साथ देती है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो मेरा हमेशा साथ देती है, और उन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए भी मेरी बहुत बहुत मदद की है, उसके लिए मैं बहुत